वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की रद्द की गई। 12 नवंबर की परीक्षा से लेकर एक नया अपडेट, वन रक्षक की रद्द की गई परीक्षा की नई तिथि जारी कर दी गई है। अब ये परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी। वन रक्षक भर्ती 2020 की 12 नवंबर को दूसरी पारी में जो परीक्षा हुई थी जिसको रद्द कर दिया गया था पेपर लीक होने के कारण, उस परीक्षा की नई तिथि अब 11 दिसंबर 2022 को जारी कर दी गई है। ये भर्ती परीक्षा अब दो पारियों में आयोजित होगी। आप लोगों को विभाग का कर्मचारी आयोग का आदेश दिखा देते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 की दिनांक 12 नवंबर को दूसरी पारी के द्वितीय चरण में की परीक्षा निरस्त किए जाने के फलस्वरूप अब इस परीक्षा का आयोजन 11-12-2022 को दो पारियों में इस प्रकार होगा, जिसमें 11-12 को रविवार है। प्रथम चरण में सुबह 10 से 12 के बीच मॉर्निंग शिफ्ट और शाम को 3 से 5 इवनिंग शिफ्ट में दो पारियों होगा। इसी तरह ये आदेश आपको चाहिए तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहेगी। और आपको बता दें कि इसी भर्ती में वन रक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को जो है 18 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आवेदन में संशोधन करवाने का अंतिम मौका भी विभाग द्वारा प्रदान किया गया है। इसके बाद कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए किसी को भी किसी भी तरह का संशोधन अगर आवेदन पत्र में करवाना है तो 18 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक विभाग की वेबसाइट या अपनी SSID से ऑनलाइन जाकर 300 रुपये का शुल्क देकर करवा सकते हैं संशोधन।